हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 8.5। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड व्हाई। ये चार स्पीसीज दे रखी है और उसमें बताना है। आल्सो राइट द रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द स्पीसीज दैट डिस्प्रोपोर्शनेट। क्लियर दोस्तों, यहां पे आपको चार स्पीसीज दे रखी है। क्या दे रखी है? चार स्पीसीज। ये है ऑक्सो अनायंस ऑफ क्लोरीन। ये चारों स्पीसीज क्या है? ऑक्सो अनायंस ऑफ क्लोरीन है। अगर कोई स्पीसीज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रही है तो मतलब उस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने के लिए उस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होना जरूरी है और रिडक्शन भी होना जरूरी है। दोस्तों यहां पे जो चारों स्पीसीज दे रखी है उनका नाम होता है हाइपोक्लोराइट क्लोराइट क्लोरेट एंड परक्लोरेट। क्लियर? ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं इन चारों स्पीसीज को लिख देता हूं 1, 2, 3 और 4। पहली है ClO- हाइपोक्लोराइट, दूसरी है ClO2 क्लोराइट, तीसरी है ClO3- क्लोरेट और फोर्थ है ClO4- पर क्लोरेट। क्लियर? ठीक है। अगर ये स्पीसीज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगी तो इस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होना जरूरी है और रिडक्शन भी होना जरूरी है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज द ऑक्सीडेशन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज द रिडक्शन। ऑक्सीडेशन आप ये भी बोल सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन बोल सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड दोस्तों, यहां पे जो क्लोरीन है इसके अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, जैसे x प्लस ऑक्सीजन की -2 = -1, तो x इक्वल टू -1 और +2, तो x इक्वल टू आ गया +1। ऑक्सो अनायंस ऑफ क्लोरीन, ऑक्सो अनायंस ऑफ क्लोरीन, यहां पे जो भी ऑक्सीडेशन होगी वो ओड नंबर में होगी। किसमें होगी? ओड नंबर्स में होगी। यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसकी 2 × 4 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 × 2 = 6 और +5 और 4 × 2 = 8 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। वेरी गुड, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। चारों स्पीसीज में क्लोरीन का यहां +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या +3 में है, +5 में है और +7 में। ध्यान से सुनना, ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1। ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3, और 14 के 4, और 15 की 5, और 16 की 6, और 17 ग्रुप हैलोजन ग्रुप्स, उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। कितनी होती है? +7 होती है। और अगर किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन होगा तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। पहली स्पीसीज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 में भी जा सकती है, +5 में भी जा सकती है, +7 में भी जा सकती है, इसके पास में सारी अपॉर्चुनिटीज। +7 के बाद में ये मत बोल देना कि +8 में चली जाएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हेलोजन एटम्स। और क्लोरीन में आपने देखा क्लोरीन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी होता है, ये -1 में भी जा सकता है। मेरे दोस्त, इस स्पीसीज की दोनों अपॉर्चुनिटी, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी करवा सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। अगर ये इसकी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन। ये भी +3 से मतलब 7, 5, 7 जा सकता है, तो इसका इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, जैसे +1, -1। ये प्लस इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन इस स्पीसीज में ध्यान से देखो, इस स्पीसीज में ध्यान से देखोगे तो +7 से +8 नहीं जाएगा,
दैट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज नहीं हो सकता. मतलब रिडक्शन हो सकता है लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता. अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों नहीं हुआ तो उसको डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं बोलेंगे. क्लियर? अब इन तीनों हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट और क्लोरेट, क्लास 12th में पढ़ोगे इनकी प्रॉपर्टीज में, तो ये जो शो करता है ये डिसोसिएट होके इस तरह शो करता है, Cl- और ये Cl-. मतलब ये एनर्जी के टर्म में, ये लाइट में भी ये डिसोसिएट हो जाता है, Cl- प्लस 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 ClO3- ClO3- और ClO4-. यहां पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, 3 × 2 = 6 और ये होगा +5 -1 और ये है 4 × 2 = 8 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. बैलेंस कर लो, 3 ऑक्सीजन तो 3 लगा दो, 3 क्लोरीन तो ये हो गया 2. इसको करो 3 से, इसको करो 2 से, तो 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन, 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन और क्लोरीन 2 2. क्लियर? और यहां पे करो देखो ClO3 ना, तो इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 4 से, 4 × 3 = 12 और 4 × 4. क्लियर हो गया? क्लियर? अब देखो +1 से +5 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज द ऑक्सीडेशन. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज द रिडक्शन. +3 से +5 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. तो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन ये है दोस्तों, और ये जो ये रिएक्शन आई है ये इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक सॉल्यूशंस में होंगी. ठीक है?